यह बहुत ही खतरनाक सड़क जहाँ से गुजरना गिरना बराबर है। सज्जनगढ़ से हवला जाने वाला यह रोड है, कैसा हालत इसकी हो रही है, रोड की हालत देख सकते हैं कितनी बिगड़ी हुई है। और रात का समय कब क्या हो जाए कोई गारंटी नहीं। आप देख पा रहे हैं पूरा रोड जिस प्रकार से निग्रस्त है, छोटे छोटे गड्ढे पड़े हुए हैं, बड़े बड़े गड्ढे और खतरनाक रोड सज्जनगढ़ का। गाड़ियाँ यहाँ पर घूम के आ रही है, पता ही नहीं किधर से जाना है, कब क्या हो सकता है कोई गारंटी नहीं। देखिए कैसे गाड़ी घूम घूम के जा रही है और मैं खुद गिरते गिरते कई बार संभल रहा हूँ क्योंकि पता नहीं आगे क्षण में क्या हो जाए। गाड़ी जा रही है से गड्ढे जो है पड़े हुए हैं, रात को अगर मिलते हैं तो क्या हालत हो सकती है। और बड़ी मेहरबानी दिखाई, ऐसा लग रहा है प्रशासन ने यहाँ पर ये थोड़ा सा ये मलबा डाला है, इतना ये पहले से इतना गड्ढा है और ये वो डाला। आप गाड़ी किधर चला किधर रहे हैं क्या सा। तो ये जंगल का पूरा रोड है और रात को अगर कोई जंगली जानवर आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि पैदल भी भागना मुश्किल है। तो ये सज्जनगढ़ से ये रोड सीधा निकलेगा, करीब 1 किलोमीटर का ये रोड होगा और इसकी हालत ये है कि कैसे निकले यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है। तो बड़े गियर में लेना पड़ा गाड़ी क्योंकि आगे और भी फ्रेंड का दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, कहाँ से निकल समझ में नहीं आ रहा है। गाड़ी मैंने फर्स्ट में डाल दी है और हो सकता है निकल जाए, निकली दिक्कत निकल जाए नहीं। ये फर्स्ट में डाल दी गई, अब किधर से निकलो समझ में नहीं आ रहा, यहाँ से निकल। इतने मोटे मोटे देखें गड्ढे हैं, मैं ही जानता हूँ, मेरा दिल ही जानता हूँ कैसे इनको पार किया। तो ये है पूरा, देखो आप कैसे मोटरसाइकिल आ रही है। तो ये सज्जनगढ़ है पूरा, बाप रे बाप इतनी मुश्किल और खतरनाक रोड। तो आशा है कि इस रोड को प्रशासन देखेगा, जागेगा और दूसरों को मरने से गिरने से बचाएगा।